हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे जाने टू के बाद कब हमको आईएनजी फॉर्म लिखना है या टू के बाद कब हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, यहां टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, यहां टू के बाद आईएनजी फॉर्म, यहां भी टू के बाद आईएनजी फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स आप यहां देखें, यहां टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और यहां टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यह लेसन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि कैसे जाने कि टू के बाद कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और कब जीरन का यूज करना है, यानी कब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लर्नर मुझे ये कमेंट करते हैं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता तो आप आईएनजी फॉर्म कैसे लिखते हैं। जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरे यूट्यूब पर इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं है। पहली बार मैंने इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं या आपको मुझ पर डाउट हो। इसलिए यह लेसन पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आप इस बात को खुद पढ़ सकें और आपको मेरी बात पर पूरा यकीन हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ा देता हूं, उसके बाद आप प्रूफ भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप ये तय करें कि आपके सेंटेंस में आई टू का यूज इन्फिनिटिव के शक्ल में हुई है या एक प्रीपोजिशन के शक्ल में हुई है। अगर आपके सेंटेंस में आया टू का यूज प्रीपोजिशन के शक्ल में हुई है तो टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लिखना होगा, और अगर टू का यूज इन्फिनिटिव के शक्ल में हुई है तो टू के बाद आने वाले वर्ब में आप आईएनजी नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे जाने कि टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे हुई है या इन्फिनिटिव के जैसे। तो फ्रेंड्स, अगर टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जा सकता है, यानी अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखें और उसका एक सही मीनिंग आए, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे हुई है और आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। लेकिन अगर टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखे जा सकती, या अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं और उसका कोई एक ठीक मीनिंग नहीं निकलता, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ टू का यूज इन्फिनिटिव के शक्ल में हुई है और यहाँ टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी नहीं लिखना। अब आपके लिए यह बात जानना जरूरी है कि कैसे आपको पता चलेगा कि टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसी हुई है या नहीं, यानी आपके सेंटेंस में टू का यूज प्रीपोजिशन की जैसी हुई है या इन्फिनिटिव के जैसे। तो आइए फ्रेंड्स इस बात को जानें, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक यह कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आपके सेंटेंस में टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है या नहीं, इस बात को आप ऐसे जानें। अगर टू के बाद आप कोई नाउन लिख सकते हैं, यानी आप उस वर्ब को मिटा दें, अगर वहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जा सकता है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है। जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ था आई यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, लेकिन मैंने उसको हटा दिया और मैं यहाँ पर एक नाउन लिखने जा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं क्या यहाँ नाउन या प्रोनाउन लिखा जा सकता है। अगर हाँ, तो टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइन, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ आई यूज टू वाइन, मतलब मुझे शराब की आदत है या मैं शराब का आदि हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा, यहाँ एक नाउन लिखने के बाद भी इस सेंटेंस का एक सही मीनिंग है, यानी यहाँ पर नाउन लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात साबित हुई कि यहाँ पर टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है, क्योंकि जब टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे होगी तभी आप वहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिख पाएंगे। अगर वहां टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे नहीं होती, तो अगर आप वहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ये बात हम आगे के एग्जांपल में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि साबित हो चुका है कि यह एक प्रीपोजिशन है, तो अगर हमें यहाँ पर कोई वर्ब लिखने का चांस मिले तो हमें वर्ब में आईएनजी लिखना होगा। मैं लिखूंगा ड्रिंकिंग वाइन, क्योंकि यहाँ पर टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखें। आई एम अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, मुझे शराब पीने की आदत है या मैं शराब पीने का आदि हूँ। फ्रेंड्स, अब मुझे जानना है कि क्या यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है। तो अगर टू के बाद आने वाले वर्ब को मिटा दिया जाए और उसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए, यानी अगर यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जा सकता है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है। मैंने लिखा सूज, और इस सेंटेंस का मीनिंग है मुझे जूतों की आदत है, यानी यहाँ नाउन लिखने के बावजूद भी इस सेंटेंस का एक करेक्ट मीनिंग हुआ। मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाउन भी लिख सकता हूँ, मैं वाटर लिख देता हूँ।
I am accustomed to water. मुझे पानी की आदत है. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cold, यानी ठंड. I am accustomed to cold. मुझे ठंड की आदत है. तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ टू के बाद मैंने कुछ नाउन लिखा. नाउन लिखने के बावजूद भी इस सेंटेंस का एक सही मीनिंग आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसी हुई है, और जब टू का यूज प्रीपोजिशन की जैसे होती है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जा सकता है. जब आप उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो उसका एक करेक्ट मीनिंग आएगा. आइए फ्रेंड्स अभी सेंटेंस की बात करें. आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन. इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ. तो फ्रेंड्स हमें ये जानना है कि क्या ये टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है या इन्फिनिटिव के जैसे. आइए यहाँ पर एक नाउन लिखकर देखते हैं क्या यहाँ पर नाउन लिखा जा सकता है. मैं लिखा पहले वाइन और हमारे सेंटेंस का मीनिंग हुआ आई एम एडवर्स टू वाइन. इसका मतलब हुआ मैं शराब के सख्त खिलाफ हूँ. तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि टू के बाद मैंने एक नाउन लिखा, और नाउन लिखने की बात भी आपके सेंटेंस का एक करेक्ट मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है. आइए फ्रेंड्स अभी सेंटेंस की बात करें. यहाँ पर लिखा हुआ है आई ट्राई टू ड्रिंक वाइन. तो अब मुझे जानना है क्या टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है या इन्फिनिटिव के जैसा. तो मैं ये वर्ब मिटा दूंगा और मैं यहाँ पर कोई नाउन लिखकर देखता हूँ क्या यहाँ पर नाउन लिखा जा सकता है. मैंने लिखा वाइन और हमारा सेंटेंस हुआ आई ट्राई टू वाइन. तो फ्रेंड्स क्या आप इसका कोई मीनिंग बता पाएंगे? अगर आप कहें कि मैं शराब की कोशिश करता हूँ तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही. ये बात अपने आप में एक अटपटा सा लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे नहीं हुई है, यहाँ टू का यूज इन्फिनिटिव के जैसे हुई है. और जब टू का यूज इन्फिनिटिव के जैसे होगी तो आप उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिख पाएंगे. अगर आप लिखेंगे तो भी उसका कोई सही मीनिंग नहीं आएगा. मान लीजिए फ्रेंड्स लिखा है आई ट्राई टू राइट अ लेटर. अब आपको जानना है क्या यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है या इन्फिनिटिव के जैसे. अगर यहाँ पर टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई है तो आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. लेकिन अगर टू का यूज इन्फिनिटिव के जैसे हुई है यानी प्रीपोजिशन के जैसे नहीं हुई है तो आप वर्ब में आईएनजी नहीं लिख सकते. तो ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ टू का क्या यूज है, प्रीपोजिशन या इन्फिनिटिव. तो आइए फ्रेंड्स टू के बाद कोई नाउन लिखकर देखते हैं क्या कोई नाउन लिखा जा सकता है. मैंने लिखा अ लेटर. तो फ्रेंड्स मैंने लिखा आई ट्राई टू अ लेटर. अब मैं इस सेंटेंस का एक सही मीनिंग नहीं निकाल सकता क्योंकि इस सेंटेंस का कोई सही मीनिंग नहीं है. जैसे आई ट्राई टू अ लेटर तो क्या मतलब होता है आई ट्राई टू अ लेटर का? मैं एक लेटर की कोशिश करता हूँ, ये तो बात समझ में नहीं आ रही. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक नाउन नहीं लिखा जा सकता. आप जब इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो आपको कुछ और सा लग रहा होगा, कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा. तो फ्रेंड्स ये साबित हुआ कि यहाँ टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे नहीं हुई है. इसलिए अगर इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे तो आप इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते. इस सेंटेंस में भी टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे नहीं हुई है, इन्फिनिटिव के शक्ल में हुई है. इसलिए जब आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे तो आप उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते. आप ड्रिंकिंग नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ड्रिंक. लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों सेंटेंस में टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई थी, उनके बाद जब हमने कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा तो हमारे सेंटेंस का एक सही मीनिंग आया. जब इस सेंटेंस में टू के बाद हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि टू के बाद आने वाले वर्ब में आप आईएनजी तब लिखेंगे, यानी आप जीरण का यूज तब करेंगे जब टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुई हो. अगर टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे नहीं हुई है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें, आप वर्ब में आईएनजी नहीं लिख सकते. रूल 3, टू का प्रयोग जब प्रीपोजिशन की तरफ होता है तो इसके बाद जीरण का प्रयोग किया जाएगा. टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरफ हुआ है या नहीं इसको जानने के लिए उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाकर देखें. यदि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगाया जा सकता है तो टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है, अन्यथा पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव होगा. एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. फ्रेंड्स यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है क्योंकि मीटिंग यू की जगह पर अगर आप कोई नाउन लिखें तो भी आपके सेंटेंस का एक सही मीनिंग होगा. यानी आप लिख सकते हैं जैसे I am looking forward to my mobile. यानी मैं अपने मोबाइल को ढूंढ रहा हूँ. Looking forward means क्या होता है ये बात तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी. I am accustomed to smoking. Friends, आप यहाँ देख सकते हैं टू के बाद स्मोकिंग लिखा हुआ है यानी आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं
कि यहाँ टू का यूज प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है कि नहीं, तो आप स्मोकिंग की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखें। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखने के बाद आपके सेंटेंस का कोई सेंस हो तो फिर आपको समझ जाना चाहिए यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन के जैसे हुआ है। जैसे आई एम अकस्टम टू स्मोकिंग, यानी मुझे स्मोकिंग की आदत है, तो आप स्मोकिंग की जगह ये बोल सकते हैं आई एम अकस्टम्ड टू सिगरेट, यानी मुझे सिगरेट की आदत है, या आई एम अकस्टम्ड टू वाइन, मुझे शराब की आदत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक नाउन बोला सिगरेट या वाइन, और जैसा कि आपने देखा कि इस सेंटेंस का एक सही मीनिंग निकला, तो इसका मतलब यहाँ टू का यूज एक प्रीपोजिशन की जैसे हुई है। लेकिन फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को देखें, आई वॉन्ट टू गो देयर, टू यूज एज ए पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, यहाँ पर टू का यूज एक इन्फिनेटिव के जैसे हुई है, क्योंकि टू के बाद आने वाला वर्ब के जगह पर अगर आप कोई नाउन या प्रोनाउन लिखें तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप शेयर कर रहे हैं ना, वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।